जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, परियोजना निर्देशक जसवंत सिंह, डीडीओ बब्बन उपाध्याय, बीएसए बीएन सिंह, दिव्यांग कल्याण अधिकारी मीनू सिंह, समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शासन के विकास प्राथमिकताओं में शामिल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संभावित बाढ़ की संभावना को देखते हुए उसकी तैयारियों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। डीएम ने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि विकास कार्यों में तेजी लाएं, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जस्टिफिकेशन को वो जो नक्शा बनाने वाले के समझाओ, वो जनपद में कैसे दिखा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए वो ड्रग स्टेट में नहीं है, बॉर्डर कम में होता है, जरूरत नहीं है फलाना ढिमकाना की, तो मुझे क्यों समझा रहे हो? आप चैलेंज करना तो वहां जाके चैलेंज करो, यहाँ बैठ करने में कोई मिलने वाले नहीं है। मुझे तो एसएचओ ट्रैकलिस्ट से शासन ने दिया, उसी के हिसाब से सारे मिलना चाहिए, नहीं तो आप हमको उतार रहे हैं। और 246 के अभियोग से मेरे पास 206 है सर, उन्होंने जो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमें ये दवा और चाहिए, तो वो उन्होंने मतलब क्यों कर ईडीएल में कुछ दवाई के चलते ये कालम नंबर 3 और कालम नंबर 6 में नहीं सर, 6 की ईडीएल तो अभी पीएससी सीएससी की है, 64 दवाओं में से हमारे पास इस समय सर 60 मैंने चिंता रख रहे हैं, 33 और जो भी है वो चाहिए ईडीएल में हम दवा की संख्या सीएससी इसको यार बाढ़ का थोड़ा नसीहत करते हुए आप लोग का यार थोड़ा इस बार केबल का मैसेज होता है वो आपका स्टेशन उसी तरह से नफा पड़ेगा। सर हमारे पास एक एक्स्ट्रा रहती है, अगर कुछ खराबी आती है तो हम उसको ठीक करने देते हैं, उसको दिला देते हैं, तो ऑफरोड मतलब खराब हो गया है, आप भैया ऐसे भी है खराब रहा है ऑफरोड जीरो मतलब सर कोई नहीं है नहीं एक है ना दिख रहा है तो आठ एम्बुलेंस एक दिख रहा है ये देखिए इसके बदले वो देख तो देते हैं लेकिन जीरो होने तो आप नहीं करा दीजिए तो देते हैं एक उन्होंने एक्स्ट्रा रखा है जो धन उपलब्ध है उसमें सारे प्रोग्राम में आप खर्चा करते रहे।